हाउ टू एक्टिवेट पीएनबी मोबाइल बैंकिंग, पीएनबी मोबाइल बैंकिंग कैसे शुरू करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पीएनबी मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग शुरू यानी कि एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुना, आज का इस एक ही वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों कैसे पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग शुरू करना होगा वो तो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। उसका पहले पीएनबी मोबाइल बैंकिंग एंड पीएनबी नेट बैंकिंग का एक छोटा सा डिफरेंट आपको बता देता हूँ। दोस्तों पीएनबी नेट बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग ऐसा एक बैंकिंग होता है जो आप एक बार रजिस्टर यानी कि शुरू कर लोगे तो आप कोई भी डिवाइस में मोबाइल कंप्यूटर टैबलेट आप कोई भी डिवाइस में यूज कर सकते हैं पीएनबी का ऑफिशियल नेट बैंकिंग वेबसाइट में जाके। और दूसरी तरफ पीएनबी का मोबाइल बैंकिंग होता है ऐसा एक बैंकिंग जो आपको मोबाइल में ऐप की माध्यम से यूज करना होगा और उस मोबाइल में आपका वो सिम कार्ड होना चाहिए जो सिम कार्ड का नंबर आपका बैंक में यानी कि खाते में रजिस्टर है। दोस्तों ये थी पीएनबी मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग की एक बेसिक एंड मेन डिफरेंट। दोस्तों कैसे पीएनबी मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग शुरू करना होगा ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों मैं संजीव कुमार, यू आर वॉचिंग संजीव टॉक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपके पास वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, इस तीन कार्डों का बीच में आपके पास कौन सा कार्ड है ये कमेंट कर दीजिए। ये सब करने से जब मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा एंड आप वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। चलिए दोस्तों कैसे पीएनबी मोबाइल एंड नेट बैंकिंग एक्टिवेट करना होगा वो देख लेते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। दोस्तों प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में टाइप करिए PNB1, ये टाइप करने के बाद सर्च कर दीजिए। उसके बाद ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मेरा इंस्टॉल है इसलिए मैं ऐप ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों इस ऐप के माध्यम से कैसे PNB मोबाइल एंड नेट बैंकिंग एक्टिवेट करना होगा वो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस देख पाओगे। दोस्तों आपके पास यदि पहले से PNB नेट बैंकिंग रजिस्टर है तो आप यूजर आईडी एंटर करके साइन इन करके मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, और यदि PNB नेट बैंकिंग रजिस्टर नहीं है तो आप न्यू यूजर पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन देख पाओगे। दोस्तों ये टर्म्स एंड कंडीशन आप अच्छे से रीड कर लीजिए यानी कि पढ़ लीजिए। दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यदि मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हो तो मोबाइल बैंकिंग सर्च कर दीजिए, और आप यदि मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग शुरू करना चाहते हो तो मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और आप यदि सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हो तो पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग के ऑफिशियल साइट में जाके एक्टिवेट करना होगा। कैसे सिर्फ पीएनबी नेट बैंकिंग रजिस्टर करना होगा ये मैं वीडियो का लास्ट में बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पीएनबी मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करना होगा। दोस्तों मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यदि सिर्फ व्यू करना चाहते हो तो व्यू ओनली का ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यदि व्यू एंड ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो व्यू एंड ट्रांजेक्शन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू बटन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। सॉरी दोस्तों पहले आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा, मैं मेरा अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू बटन का ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों कंटिन्यू बटन का ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग शुरू हो गया है। दोस्तों ये प्रोसेसिंग 2 से 3 सेकंड तक चलेगा। दोस्तों प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। दोस्तों यहाँ पे OTP एंटर करना होगा, जो OTP आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में चला जाएगा। दोस्तों OTP एंटर करने से पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कैसे किसी भी बैंक का बैलेंस घर बैठे चेक करना होगा, इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। देख सकते हो दोस्तों OTP आ गया है, मैं OTP को एंटर कर देता हूँ। दोस्तों OTP एंटर करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों कंटिन्यू बटन का ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये प्रोसेसिंग भी 2 से 3 सेकंड तक चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आप यहाँ पे 16 डिजिट डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड नंबर एंटर कर दीजिए। दोस्तों डेबिट कार्ड नंबर एंटर करने के बाद अब यहाँ पे ATM का 4 डिजिट पिन एंटर कर दीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा।
दोस्तों आप सबसे पहले साइन इन पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद कॉन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड टाइप कर दीजिए, उसके बाद एक अलग सा ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। साइन इन पासवर्ड एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोनों अलग होगा, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड फिर टाइप करके कॉन्फर्म कर दीजिए। दोस्तों पासवर्ड टाइप कैसा होगा साइड में आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात, ये दोनों पासवर्ड का मिनिमम कैरेक्टर 6 होना चाहिए और मैक्सिमम 28। दोस्तों पासवर्ड एंटर करने के बाद अब यहाँ पे सबमिट बटन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों सबमिट बटन का ऊपर क्लिक करने के बाद फिर प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका यूजर आईडी आपको दिखा देगा, कर लीजिए। उसके बाद साइन इन बटन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों साइन इन बटन का ऊपर क्लिक करने के बाद आप ऐप का होम पेज में आ जाओगे और आप यूजर आईडी टाइप करके साइन इन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं मेरा यूजर आईडी टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों और भी बहुत कुछ स्टेप्स बाकी है, आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों मैं मेरा यूजर आईडी टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद साइन इन बटन का ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों साइन इन बटन का ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे टाइप करना होगा। मैं ओटीपी टाइप कर देता हूँ। दोस्तों ओटीपी टाइप करने के बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। मैं ओटीपी टाइप कर लिया हूँ, अब मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 डिजिट का एम पिन क्रिएट करना होगा। दोस्तों मैं एम पिन टाइप करने के बाद कन्फर्म करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस देख पाओगे, उसके बाद आप फिर साइन इन बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अभी जो 4 डिजिट का एम पिन क्रिएट किया है वो 4 डिजिट का एम पिन अब यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मैं भी मेरा एन पिन एंटर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप PNB One यानी कि PNB मोबाइल बैंकिंग ऐप में साइन इन हो जाओगे। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपकी आपका फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हो, आप यदि ऐड करना चाहते हो तो यस बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यदि नहीं ऐड करना चाहते हो तो कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों मैं मेरा फिंगरप्रिंट ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे एम पिन एंटर कर दीजिए, उसके बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट सफलतापूर्वक रजिस्टर हो जाएगा। दोस्तों PNB मोबाइल बैंकिंग में कम्प्लीटली रजिस्टर हो गया है, यानी कि PNB मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट हो गया है। लेकिन अभी तक PNB इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं हुआ है, जो स्टेप बाकी है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब आप पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB इंटरनेट बैंकिंग की ऑफिशियल साइट में जाके अब यूजर आईडी एंड पासवर्ड टाइप करके साइन इन कर लोगे, तब आपके पास एक न्यू पेज आएगा। उस पेज में 50 यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा। उस 50 क्वेश्चन का बीच में से आपको 7 यानी कि 7 क्वेश्चन की आंसर देना पड़ेगा। दोस्तों 7 क्वेश्चन की आंसर देने के बाद वहां पे नीचे देखोगे एक सबमिट बटन रहेगा, उस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका PNB इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको कैसे सिर्फ PNB इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करना होगा वो आपको दिखा देते हूँ। दोस्तों आप सबसे पहले इस साइट में आ जाइए, www.netpnb.com। दोस्तों ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसका दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद रिटेल इंटरनेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों न्यू यूजर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरफेस देख पाओगे। दोस्तों आप यदि सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर टाइप करके वेरीफाई का ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको सेम स्टेप फॉलो करना होगा जो स्टेप मैं आपको PNB वन ऐप में दिखाया हूँ। बस इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड अभी भी कोई डाउट रहता नीचे कमेंट करिए, मैं इसको रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह नॉलेजेबल एंड ट्रस्टेड टॉपिक के लिए संजीव टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।